मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड के नवचयनित 1500+2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र देंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 12 बजे से धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। आज से नया कानून लागू होने को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन देश और राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। अंग्रेजों के समय जो 3 बड़े अधिनियम चले आ रहे थे उनको बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं इस कर्तव्य को कल विधानसभा में देने वाला हूं। विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में ही हंगामा हो गया। इस हंगामा की वजह नरसिंह घोटाला मामले की जांच करवाने की मांग थी। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल का कहना था कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर लेकर सदन पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान कुरान और गुरु नानक की तस्वीर भी दिखाई। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और मानसून ने झारखंड में दस्तक दे दी है। इसी को देखते हुए झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। बता दें कि पहले सारे स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक संचालित किए जाते थे, लेकिन अब इसे बदलकर सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड चलता रहता है और पोस्ट जमकर वायरल होता रहता है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बैंक की जमा पर्ची काफी ट्रेंड हो रही है, जिसमें भरने वाली महिला का नाम संगीता है और वह अपनी पर्ची में अकाउंट नंबर भी लिखी है। इस पर्ची में नीचे 2000 रुपए भी लिखे हुए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां राशि लिखनी होती है उस कॉलम में महिला ने राशि तोला लिख दी है। यह देखकर वाकई आपको भी हंसी आ जाएगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में डीजल का टैंकर पलटने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। टैंकर पलटने की वजह से सड़क पर दूर दूर तक डीजल फैल गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही टैंकर पलटने की सूचना ग्रामीणों को मिली, भारी संख्या में लोग बाल्टी और डब्बे लेकर डीजल लेने घटना स्थल पर पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने उत्तराखंड में हो रही उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। मंगलौर में उन्होंने भाजपा को किसान का विरोधी बताते हुए किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। बता दें कि राजेश टिकैत रुड़की के मंगलौर में किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई। प्रदेश में 3 सक्रिय चक्रवाती सिस्टमों के कारण पूरे क्षेत्र में बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने भोपाल सहित कई जिलों के लिए आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टरों और पुलिस के अधिकारियों को नई परिवहन व्यवस्था में सहयोग करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन विभाग की जांच चौकियों का संचालन 1 जुलाई से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में एमपी में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। आपको बता दें कि साल 2026 तक सरकार का मध्य प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है। ताप्ती मंदिर के पुजारी पंडित सौरभ जोशी ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से नदी के उद्गम स्थल मुलताया कर माफी मांगने की बात कही है। अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर माफी नहीं मांगी तो पंडित मिश्रा के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 5 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 जुलाई तक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रहेगी। बाबा नगरी देवघर में इस साल क्या भाव बिकेगा पेड़ा, प्रशासन ने तय कर दिया है। प्रशासन ने श्रावणी मेले में प्रसाद की दर निर्धारण और अन्य मुद्दों पर SDO सागरी बराल की अध्यक्षता में पेड़ा चूड़ा के व्यवसायियों के साथ बैठक की। इसमें तय हो गया कि इस साल दुकानदार किस दर से पेड़ा बेचेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी जब टीम की बस में चढ़ने जा रहे थे तो सबके चेहरे पर विश्व कप ट्रॉफी ना जीत पाने की उदासी थी। वहां खड़े भारतीय फैंस ने देखा और टीम के खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाई। एक साथ टीम के खिलाड़ियों के लिए नारे लगाते हुए सब ने बार बार दोहराया,